एक रन मिलेगा। और कुछ नियम के बारे में बात करें तो 4 ओवरों का मैच जरूर खेला जाएगा। शुरुआत की जो 3 ओवर होगी आपको कंपलसरी 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट में आपको 3 ओवर कंपलसरी कंप्लीट करने हैं। अगर 3 ओवर आपके 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होते हैं तो 4th ओवर में आपके एक प्लेयर को 38 सर्कल के अंदर आपको रखना होगा। ऐसे कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना है। ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय होगा वह अंतिम एंड आखिरी निर्णय होगा। तो ऐसे कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना है। चलिए दोनों ही टीम ऑल द बेस्ट, एक्साइट। विश्वास 11 कलवा तो दूसरे सेट कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी की टीम जरूर लड़ती नजर आएगी। और सलामी बल्लेबाज जरूर नजर आते हुए एक साइड अनिकेत तो दूसरे साइड तो ध्रुवेश की जोड़ी जरूर नजर आएगी एक साइड। 4 ओवर का मैच का प्रदर्शन जरूर देखने मिलेगा। शुरुआत की 3 ओवर कंपलसरी आपको 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ऐसे कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना है। बुद्ध टीम ऑल द बेस्ट। अब पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कुणाल जरूर नजर आते हुए एक साइड अनिकेत तो दुर्वेश की जोड़ी जरूर नजर आएगी। पहले ओवर के मैच के बारे में बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर देखने मिलेगा। 38 सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी मौजूद नजर आते हुए, एक डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को मौजूद किया है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी को जरूर मौजूद करते नजर आए। पहले ओवर की पहली गेंद इस बार देखिए तेज तरार पहले ही गेंद पर प्रहार करना चाहते थे। बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। कुणाल आते आते यहां पर अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर करते नजर आए। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए स्टैंडर्ड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग पर दिशा पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन जरूर यहाँ पर देखने मिला। इस बार बल्लेबाज आक्रमण जोश में जरूर नजर आते हुए बल्लेबाज ध्रुवेश इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर थे लाइन और लेंथ में गेंदबाजी यहाँ पर जरूर देखने मिली। गेंदबाज कुणाल के रूप में स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रनों पर अपना खाता खोलती जरूर नजर आती हुई टीम 6 रनों के साथ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। सामना करेंगे दुर्वेश, इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा पर आसानी के साथ यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 7 रनों पर। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद जरूर थी
बैटर गेंद का संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 रनों पर। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 13 रनों पर। और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने मिली, आखिरी 2 गेंदों पर बड़े शॉट जरूर यहां पर देखने मिले। बल्लेबाज अनिकेत एंड दुर्वेश के द्वारा जरूर दोनों ही बल्लेबाज से एक एक छक्के की मदद से स्कोर को लेकर आगे बढ़ते नजर आते हुए। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राहुल जरूर नजर आते हुए। अब यहां से पावर प्ले का बंधन जरूर खुलता नजर आता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सर राहुल इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, शॉट सिलेक्शन लाजवाब, गेंद निकल कर जाएगी। यस डिक्लेयर जोन पे रन आएंगे, एक एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए राहुल इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहां पर एक रन चुराने में कामयाब। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद जरूरत थी, बैटरी गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहां पर एक रन चुराने में जरूर कामयाब होते नजर आती हुई दोनों ही बल्लेबाजी टीम। एक एक दो दो रन के साथ आगे बढ़ती नजर आती हुई यहां पर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राहुल तैयार होते। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ दूसरे रन चुराने की चाह जरूर रख रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर एक दूसरे को कॉल करते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। एक रन से यहां पर संतुष्ट होंगे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर। दूसरी ओवर की अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, विकेट कीपर थोड़ा सा गलती जरूर कर बैठे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे। यस दूसरे ओवर की अभी यहां से आखिरी गेंदें बची है। राहुल की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक 5 गेंदों पर उन्होंने 4 रन केवल खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर देखने मिला। एक बार फिर दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राहुल तैयार होते नजर आते हुए। इस बार देखिए अपने दिशा से जरूर भटकते नजर आते हुए गेंदबाज राहुल। यस हम पर बताते हुए गेंद रहेगी वाइट के रूप में, अतिरिक्त 1 रन जरूर यहां पर बढ़ता नजर आएगा। इस वाइट की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर।
इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे, डी बैक्स का कवर पे खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खिलाड़ी कोई गलती करने वाले नहीं, एक और झटका जरूर यहां पर रखता हुआ पारी समाप्त होती नजर आती हुई। थैंक यू जी, एक बड़ा शॉट जरूर खेलने की चाह रख रहे थे, डीप है, एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करते नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेरिएशन की कमी जरूर देखने मिली, गेंद में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक बड़ा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ। अब यहां से तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आशु, इस बार देखिए पहले ही गेंद पर बाहर निकल कर प्रहार करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आशु, इस बार देखिए चतुराई गेंदबाजी जरूर देखने मिली, चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन करते नजर आए, यस अंपायर बताते हुए एक रन जरूर यहां पर मिलता नजर आता हुआ 22 की मदद से, यस अंपायर ने आउट दिया, ओके यस एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ। और आशु की अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली इसके पहले वाले गेंद पर, एलपीडब्ल्यू के माध्यम से एक बड़ा झटका जरूर यहां पर देखने मिलता हुआ, बैक टू बैक कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का विकेट गिरता नजर आता हुआ, कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप और जो एलिवेशन की जरूरत थी वो एलिवेशन यहां पर नहीं मिलता नजर आता हुआ, नए बल्लेबाज मैदान की ओर नजर आते हुए। इस बार देखिए बाहर करना चाहते थे, क्लासिकल शॉट जनरेट किया, गेंद में ऊंचाई ज्यादा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक आसान से कैच लेने में कामयाब, एक और बड़ा झटका लगता हुआ, साहिल की बारी समाप्त होती हुई। और पहले ही गेंद पर प्रहार करने की कोशिश जरूर करते नजर आए बल्लेबाज साहिल, गेंद पे ऊंचाई काफी ज्यादा थी, लंबाई कम, वहां पर खिलाड़ी को जरूर पाया और एक आसान सा कैच लेने में जरूर कामयाब नजर आते हुए यहां पर। और आशु की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक 3 गेंदे हो चुकी है हैट्रिक पर अपने नजर आते हुए आशु, इस बार देखिए चतुराई भरी गेंदबाजी जरूर करते नजर आए, अपने हैट्रिक से जरूर चुकते नजर आते हुए गेंदबाज आशु, लेकिन अभी तक यहां से अच्छी गेंदबाजी का भूमिका जरूर निभाते नजर आते हुए, 4 गेंदे हो चुकी है, 4 गेंदों पर अभी तक 2 विकेट लेने में कामयाब नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आशु तैयार होते हुए, इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खिलाड़ी कोई गलती मारने के लिए नहीं है, एक और बड़ा झटका जरूर लगता हुआ यहां पर।
और क्या जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी का भूमिका जरूर देखने मिला। गेंदबाज आशु के रूप में 5 गेंदे हो चुकी है, 5 गेंदों पर अभी तक 3 विकेट लेने में कामयाब होते नजर आते हुए गेंदबाज आशु। और देखना होगा क्या इस टूर्नामेंट के ये मैडन ओवर गेंदबाज बनते हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर कहीं ना कहीं स्कोर को थमाते नजर आते हुए गेंदबाज टीम की तारीफ करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली और ये जो श्रेय है पूरी तरीके से श्रेय जरूर यहाँ पर गेंदबाज आशु को जाता हुआ। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जबरदस्त कैच लेने में कामयाब, एक और छटका लगता हुआ पारी की समाप्त होती हुई। थैंक यू जी। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी, दूसरे दिन की पहले ही मैच में जबरदस्त गेंदबाजी देखने मिली यहाँ पर गेंदबाज आशु। 6 गेंदें हो चुकी थी, 6 गेंदों पर 4 विकेट लेने में कामयाब होते नजर आए और 2 डॉट की गेंद जरूर देखने मिली यहाँ पर। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर। क्या जबरदस्त गेंदबाजी जरूर देखने मिली। और इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो झुंझा स्पोर्ट्स क्रीड़ा मंडल आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट के आशु एक पहली गेंदबाज जरूर नजर आते हुए जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहले मेडन ओवर निकाली। और केवल मेडन ओवर ही नहीं, इनके पहले ही ओवर में 4 विकेट लेने में कामयाब नजर आते हुए गेंदबाज आशु। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी देखने यहाँ पर मिली, लाइन और लेंथ की गेंदबाजी जरूर देखने मिली। और उसी के साथ इस मैच का आनंद भी जरूर आप घर बैठे एनएसटी लाइव के माध्यम से इस मैच का आनंद जरूर ले सकते हैं। एक बार फिर नए गेंदबाज नजर आते हुए, इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद नहीं होगी, गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। यस आउट, एक और छटका जरूर लगता हुआ यहां पर। थैंक यू डीचे। और बैक टू बैक यहाँ पर विकेट का संपर्क जरूर नजर आता हूँ यहाँ पर टीम कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी। अभी तक एक भी बल्लेबाज को यहाँ पर सेट होने का मौका नहीं दिया है। और तारीफ कर रही थी हम गेंदबाज आशु की, अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज के रूप में नजर आए गेंदबाज आशु, जिन्होंने पहले ओवर में ही 4 विकेट लेने का कमाल जरूर दिखाया और ओवर मैडन के रूप में जरूर देखने मिला। इस बार देखिए फ्लिक जरूर किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक खिलाड़ी गेंद को करेंगे आसानी के साथ यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब होते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। और काफी समय के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर 1 रन की मदद से जरूर बढ़ता नजर आता हुआ स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 19 रनों पर। चौथी ओवर की बात करें तो चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सागर सूरज जरूर नजर आते हुए, इस बार देखिए हल्के बल्ले से फ्लिक जरूर किया था, दूसरे रन का कॉल जरूर यहाँ पर दिया और आसानी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर यहाँ पर देखने मिला। एक एक दो दो रन से आगे बढ़ती नजर आती हुई टीम यहाँ पर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी और इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। इस बार देखिए कॉल जरूर किया, आसानी के साथ दौड़कर 2 रन चुराने में कोशिश जरूर कर रहे थे, दूसरे रन का कॉल जरूर यहां पर दिया गया था। इस हंपायर बताते हुए कि दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ अपने क्रीज पर पहुंचते नजर आते हुए इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर 23 ऑन बोर्ड। चौथे ओवर की बात करें तो चौथे ओवर की अभी तक 4 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदे बची हैं और अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर यहाँ पर देखने मिला। कहीं ना कहीं गेंदबाजी वाली टीम
टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया और फील्डिंग यहां पर अच्छा साबित होता नजर जरूर आता हुआ। अब यहां से आखिरी दो गेंदें बची है, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सूरज, इस बार देखिए कट करना चाहते थे, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पीछे पर पीछे से जरूर निकलती जाती हुई। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहां पर एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिले भी करना चाहते थे, पावरफुल जॉन जनरेट किया, गेंद निकल कर जाएगी बॉर्डरलाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। अविनाश जाधव यांना विनंती करते, आपल्या अविनाश शेळके यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। रामकृष्ण पाटील साहेबांचा स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये संपन्न केला जातोय। त्यांनाही मायेचे उबदार शॉल आणि या स्पर्धेचे एक अविस्मरणीय भेट म्हणून एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे। खास या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेले मान्यवर आणि त्यांचा मान्यवर कक्षामध्ये हा शुभ सन्मान। कॅमेरामॅन आपण स्टेज कव्हर करायचंय। धन्यवाद मित्रांनो, आपण पाहतात प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी देखील अतिशय दर्जेदार आयोजन झुंजार मित्रमंडळ कोळशेत आयोजित भव्य ओराम क्रिकेट स्पर्धा 2024 आपण दुसऱ्या दिवसामध्ये आहोत। सर्वांचं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। 60 पेक्षा जास्त वर्ष झालेले आहेत, त्यांनी आतापर्यंत आपण एकच नाव पाहतोय, झुंजार मित्रमंडळ कोळशेत। जबरदस्त अशी स्पर्धा, कालचा दिवस काय सामने झाले, काल अतिशय चुरशीचे सामने आपण बघितले। शेवटचा सामना जो झाला होता एस डी केवनी दिवे आणि गावदेवी बाळकुम, शेवटच्या चेंडूवर 3 धावांची आवश्यकता असताना मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या एस डी केवनी दिवे संघातील फलंदाजांनी आणि अवघ्या 1 धावेने चेसिंग कंपल्सरीच्या बलावर तो सामना जिंकला आणि उपांत्य फेरीमध्ये धडक मारणारा कालच्या दिवसामधील संघ आपण बघितला तो म्हणजे गावदेवी बाळकुम। आज देखील एक से बढकर एक सुपर टीम आपल्याला बघायला मिळतील। पहिला सामना कलवा विश्वास इलेवन या संघ निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंग करताना, कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी हा संघ नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करताना सन्मान नात्यांचा, सन्मान विश्वासाचा, सन्मान आपुलकीचा, सन्मान कर्तृत्वाचा, सन्मान दिलदारपणाचा आणि सन्मान झुंजार खिलाडू वृत्तीचा ही स्पर्धा आपण पाहते। झुंजार मित्रमंडळ कोळशेत आयोजित भव्य आणि दिव्य अशी स्पर्धा, बक्षिसांचा वर्षाव असलेली स्पर्धा, तर लक्ष ठेवलेले आहे 31 धावांचं माफक लक्ष ठेवलेले आहे। खूप सुंदर गोलंदाजी केली होती आशुतोष याने, एका षटकामध्ये 4 गडी बाद केले होते आणि मेडन षटक देखील त्याने टाकलं होतं। सुपर बॉलिंग, मॅग्निफिसंट बॉलिंग फिगर आशुतोष बघायला मिळाली। 31 धावांचं माफक लक्ष, 24 चेंडू आणि 31 धावा। स्पर्धेचा सलगचा हा दुसरा दिवस, सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। प्रेक्षकांना बसण्यासाठी चांगली सुविधा ही करण्यात आलेली आहे। स्वर्गीय हनुमंत शेळके स्टँड, फार्म हाऊस ग्रुप अँड मॅक्स ऑटो केअर स्टँड, प्रोप्रायटर कुणाल
प्रकाश शेळके मेने आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे प्रेक्षक स्टँड. त्यानंतर स्वर्गीय दिलीप पाटील प्रेक्षक स्टँड देखील आपल्याला बघायला मिळतोय. हार्ट ऑफ कोलशेत स्वर्गीय दामोदर क्रीडानगरी कोलशेतच्या ह्या ग्राउंडवर हा क्रिकेटचा बिग शो आपण पाहतात. पुन्हा एकदा उपस्थित मान्यवर सर्व खेळाडू व सर्व क्रीडा रसिकांचं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. ही स्पर्धा NST लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता. घर बसल्या टाईप करा, सर्च करा, लॉग ऑन करा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्या. सामन्याला सुरुवात. टोपनर प्लेयर पहिला चेंडू परफ्यूम डिलिव्हरी नाकाला सुगंध देऊन चेंडू निघून गेला. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. ह्या धावा जर डिपेंड करायच्या असतील तर मात्र निश्चितच कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी या संघाला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अजून एक चेंडू जाते डॉट. ब्युटिफुल बॉल, चांगली गोलंदाजी करतोय. कुठल्या प्रकारचं स्वतंत्र दिलं जात नाही फलंदाजाला. खेळपट्टीवरची जोडी आहे ती पाहतोय विराज आणि अजय. सुपर बॉलिंग पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बघायला मिळते. प्रिन्स पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चेंडू मात्र निश्चितच बाउन्सर चेंडू टाकला होता गुड लेन्स पाहून चेंडू उचलला आणि अगेन्स्ट बाउन्स फटका खेळलेला आहे. स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. फक्त एकच धाव आहे तिथे. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला होता. सिंगलने ऑफ द मार्क झालेला आहे बॅटर अजय. धावसंख्येचा शुभारंभ केलेला आहे. खूप भव्य आणि दिव्य अशी स्पर्धा पाहतात आपण. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत क्रिकेट स्पर्धा 2024 मध्ये सर्वांचं पुनश्च एकदा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होणार आहे बॉलिंग मार्कवर प्रिन्स. खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत त्याने 3 चेंडू टाकलेले आहेत आणि फक्त 1 धाव खर्च केलेली आहे. दरम्यान शुभ आगमन झालेले आहे. चंद्रकांत देसले साहेब मी आपलं खूप हार्दिक स्वागत करतोय. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित ह्या क्रिकेट स्पर्धा निश्चितच या स्पर्धेमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चेंडू जातो डॉट. काय गोलंदाजी करतोय. पहिल्या 1 for the over इशारा देखील आलेला आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर प्रिन्स. चेंडूला मात्र लॉफ्ट केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक दक्ष झेलाचा स्वागत करतोय. पहिला फलंदाज बॅक टू द डगआउट. करते प्रिन्स 5 चेंडू मध्ये आतापर्यंत फक्त 1 धाव खर्च केलेली आहे. सुपर बॉलिंग, इकॉनॉमिकल बॉलिंग बघायला मिळते त्याची. 1 गडी त्याने बाद केलेला आहे. सामना विश्वास 11 कळवा आणि कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी या 2 संघांमधील पहिला सामना दुसऱ्या दिवसामधील. पुन्हा एकदा सज्ज होणार आहे बॉलिंग मार्कवर प्रिन्स. फिल्डिंगमध्ये बदल केला जातोय. डावखुरा बॅटर नंबर ॲट 3 क्रमांक 3 खेळण्यासाठी आशू ज्याने गोलंदाजी खूप भेदक केली. या स्पर्धेमधील पहिलं मेडन विकेट षटक टाकण्याचा त्याने पराक्रम केलेला आहे. फलंदाजीमध्ये कशा प्रकारची चुनूक दाखवते ते बघायचं आहे. दमदार खेळ इथून आता त्याला करावा लागेल. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे आशुतोष. सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर प्रिन्स. स्विंग अँड मिस, ब्युटिफुल बॉल. जागतिरावचा इशारा देणारा चेंडू होता. पूर्णपणे फलंदाजाला चकवा देणारा. अशा प्रकारे एक यशस्वी षटकाची सांगता झालेली आहे. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावपळकर 1-1. जबरदस्त गोलंदाजी बघायला मिळाली प्रिन्स याची. आता येणाऱ्या उर्वरित 3 षटकांमध्ये 18 चेंडूंमध्ये धावांची आवश्यकता आहे ती 30. आस्किंग रन रेट निश्चितच वाढलेलं आहे. 10 सरासरीने धाबा पूर्ण कराव्या लागतील. पूर्णपणे निश्चितच
संघ आता पिछाडीवर बघायला मिळतोय तो म्हणजे विश्वास इलेव्हन कळवा. पण एक लक्षात घ्यायचंय, चार षटकांसाठी फक्त 20 मिनिटांचा अवधी असेल आणि कुठल्याही प्रकारची टीम मिटिंग मैदानाच्या आतमध्ये आपण करायची नाही. 2 षटकं संपल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स इंटरवल पाणी हे प्रोव्हाइड केलं जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. आणि वेळेसंदर्भात सर्व संघांनी आम्हाला सहकार्य करायचं आहे, वेळेवर इथे यायचं आहे. जो संघ उशिराने ते रिपोर्ट करेल त्या संघाला पॅनलाइज केलं जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. ऑन फील्ड अंपायर पाहतोय जितू शेळके, प्राऊड ऑफ कोलशेत आणि स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये विशाल पांडे. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करताना गोलंदाज साहिल बॉलिंग मार्कवर सज्ज झालेला आहे. सामोरं जाईल बॅटर विराज सलामीवीर. पण निश्चितच काय गोलंदाजी केली आहे, 31 धावांचं माफक लक्ष असताना कम्मालीची गोलंदाजी. अजून एक चेंडू, वेगवान चेंडू, तेज तर्रार चेंडू निघून जाते यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. प्ले अँड मिस, सातत्याने फलंदाजांना अगदी रीट करून गोलंदाजी केली जात आहे. सुरुवातीला प्रिन्स आणि आता साहिल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अजून एक चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी. काय गोलंदाजी बघायला मिळते, फलंदाज बीट झाला, बॅटर बीट झाला, पण तिथे एक धाव निश्चितच पूर्ण केलेली आहे, एक धाव मिळालेली. असं वाटते की संधी होती एसट्यांच्या मागे, कॅश ड्रॉप केलेलं आहे एसटी रक्षकाने. एक धाव निश्चितच जोडली जाईल धावपलकावर. बऱ्याच उशिरानंतर धावसंख्या हलूच पुढे सरकताना धावपलकावर 2 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे. टाईम लाईनचा आपण जर विचार केला, 8 चेंडूंमध्ये 1 गडी बाद केलेले आणि 2 धावा धावपलकावर फक्त जोडलेले आहेत. फक्त एकच धाव ही फलंदाजाला मिळेल. डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेला, या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकताना धावपलकावर 3 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे. एक एक धावेसाठी खूप संघर्ष करावा लागतोय विश्वास इलेव्हन कळवा या संघाला. मोठ्या प्रमाणात आज मान्यवर कक्षामध्ये आपण मान्यवरांना पाहतोय या सामन्याचा आनंद घेताना. खूप सुंदर आयोजन, बक्षिसांचा वर्षाव असलेली स्पर्धा, झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित ओवरआर्म क्रिकेट सामने 2024 सलगचा दुसरा दिवस. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. साहिल मुठापटका खेळायचं होतं पण बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला शॉर्ट दरम्यानला. फक्त एकच धाव तिथे पूर्ण केलेली आहे, एकापेक्षा काही नाही. एकेरी दुहेरी धावांनी काहीही साध्य होणार नाही. इथून आता मात्र आक्रमणाला सुरुवात करावी लागेल. धावसंख्या आलूच पुढे सरकताना धावपलकावर 4 या अंकावर जाऊन पोहोचलेले आहे. सुंदर गोलंदाजी करतोय साहिल देखील. प्रिन्सच्या पावलावर पाऊल ठेवून जबरदस्त अटॅकिंग गोलंदाजी केली जात आहे. साहिल फिल्डिंगमध्ये बदल करतोय. एक वेगवान गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. मोठा फटका खेळायचा होता, बॅटच्या टोवर लागून जातो चेंडू एसट्यांच्या मागे. बिहाइंड द विकेट फक्त एकच धाव मिळेल. काही गोलंदाजी बघायला मिळते, धावसंख्या हलूच पुढे सरकताना 5 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे. कमालीची गोलंदाजी, 5 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत फक्त 4 धावा खर्च केले आहेत साहिल याने. सुंदर गोलंदाजीचं पृथ्थकरण बघायला मिळते. राईट आर्म राऊंड द विकेट, चेंडू मात्र निश्चितच क्षेत्ररक्षक झेपावला होता. एक धाव पूर्ण केली आहे, दुसरी धाव देखील पूर्ण करताना बॅटर तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आणि आता मात्र निश्चित दोन्ही गाड्या पाहतोय एकाच ट्रॅकवर, धोका होण्याची दाट शक्यता. फलंदाज होईल धावचित बाद.
थँक्यू डीजे. उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये 2 षटकांमध्ये विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे 24. आता मात्र पुन्हा एकदा आस्किंग रनरेट रिक्वायर्ड रनरेट हे वाढलेलं आहे. 12 सरासरीने धाबा जमा कराव्या लागतील विजय मिळवण्यासाठी. विश्वास इलेव्हन कळवा या संघाला, खूप अडचणीमध्ये आहे संघ पाहतो. आता इथून मुश्किल कंडिशनमधून कोणाला तरी आता जबरदस्त विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाजी करावी लागेल. मुसीबत में खडा वही सबसे बडा. आता मात्र निश्चित जितना बडा संघर्ष होगा जीत भी बड़ी उतनी शानदार होगी. आणि आता मात्र पाहतोय या सामन्यावर हळूहळू मजबूत पकड निर्माण करताना कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी असं म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही. शेवटी क्रिकेट आहे, होत्याचं नव्हतं व्हायला वेळ लागत नाही या खेळामध्ये. एनिथिंग कॅन्ट हॅपन जोपर्यंत शेवटचा चेंडू आणि शेवटची धाव ही पूर्ण होत नाही तोपर्यंत भाकीत करणे क्रिकेटमध्ये चुकीचे ठरते. आणि चेंडूला लॉफ्ट केलेला आहे, पाठवलंय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार, सुंदर फटका, ब्युटिफुल शॉट, 4 रन्स. थँक्यू डीजे, थँक्यू. 11 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता आहे 20. पुन्हा एकदा चौकाराने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न, शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय ह्या सामन्यामध्ये कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी संघाकडून. विराटच्या बॅटमधून चौकार आलेला आहे. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. चेंडू जाते की नाही बघायचंय. अफलातून झेल, फलंदाज आउट. OUT. आता मात्र पुन्हा एकदा इक्वेशन चेंज होताना 10 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता आहे 20. प्रत्येक चेंडूवर 2 धावा असं गणित. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सूरज. एक सूरज आकाशामध्ये आणि दुसरा सूरज आता मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. आशिष, आशिषला चांगला कशिश दाखवावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये विजय मिळवून देण्यासाठी. फ्लिक केलेला आहे चेंडू, चाललाय स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झपाटलेला आहे. जबरदस्त फिल्डिंग आउटफील्ड मध्ये. 2 धावा पूर्ण करते सूरज. धावसंख्या पुढे सरकताना धावपलकावर 13. विजयासाठी अजून 18 धावांची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या 9 चेंडूंमध्ये जबरदस्त काटे की टक्कर या 2 संघांमध्ये बघायला मिळते. एकाला जिंकायचं आहे, दुसऱ्याला हार पत्करायची नाही. पुन्हा एकदा आशिष, इनसाइड आउटचा फटका खेळलेला आहे. फिंगरी शॉट, चेंडू जाते आउट ऑफ द पार्क. षटकार. ते 8 धावांची आवश्यकता 12. पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी संघाकडून. कलवा निश्चितच 11 हा संघ आता जबरदस्त फाईट देताना. पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त हे सांगून देताना क्षेत्ररक्षक निश्चितच झपाटलेला आहे चेंडूवर. शॉर्ट मिड ऑनला अवधी होता बॅटरकडे एक सिंगल कम्प्लीट करण्याचा. धावसंख्या वाढते धावपलकर 20. धावांची आवश्यकता 11. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 7 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. जबरदस्त महामुकाबला या 2 संघांमध्ये. रोमर्षक रोमांचकारी सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळतोय.
जबरदस्त फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, मॅग्निफिसंट पॉवरफुल हिट सिक्सर. बॅटर सागर, पाच धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचा अंतिम षटक, सहा चेंडूंचा खेळ बाकी. अनिकेत, काय एखादं मिरॅकल षटक बघायला मिळेल, चमत्कार बघायला मिळेल अनिकेत द्वारा, की मात्र पहिल्या विजयाची नोंद होईल विश्वास इलेव्हन कळवा संघाकडून. अतिशय चांगला चेंडू होता, खोलवर टप्प्यात चेंडू टाकला होता, अक्षरशः खोदून काढलेला आहे. गचाल क्षेत्ररक्षण, दोन धावा पूर्ण केलेल्या, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, तीन धावा कंप्लीट. याचं कारण म्हणजे पहिली धाव ही अतिशय वेगाने पूर्ण केली होती, आणि ह्या पुढील दोन धावा अतिशय जलद पूर्ण केल्या होत्या, दबाव निर्माण केला होता क्षेत्ररक्षकावर. फक्त दोन धावांची आवश्यकता. जबरदस्त स्विंग केलेलं आहे, पाठवलंय चेंडूला काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या पलीकडे, देद आनंद षटकार, मॅच फिनिश. सामना इथे जिंकलेला आहे विश्वास इलेव्हन कळवाय संघाने. हार्दिक अभिनंदन, हार्ड लक टफ लक, कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी.